सोना है तो जाग जाइए। नमस्ते मित्रों, मैं योगी परमवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिवाइन योगा केयर पे। और आज हम बात करने वाले हैं अच्छी और गहरी नींद के बारे में। नींद के बारे में बात करने से पहले हम उन कारणों को जान लेते हैं जो हमारी नींद को खराब करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था सोना है तो जाग जाइए, अर्थात इन कारणों को अपने जीवन से दूर कर दें, इससे आप लंबी और गहरी नींद ले सकें। पहला कारण है हमारा अस्त व्यस्त दिनचर्या। हमारी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है आज के समय में। किसी की मजबूरी है और कुछ जानबूझ के अपनी दिनचर्या खराब कर रहे हैं, तो हमारे को इस बारे में देखना पड़ेगा। एक ठीक समय कर लें, इतने बजे मेरे को सोना ही है, और उसके बाद बिल्कुल भी ना जागे अगर जरूरी ना हो। नियमित समय पे सोएं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाएं तो उसका तो कहना ही क्या है, अनेक लाभ होंगे उस चीज के। तो सुबह जल्दी उठें और रात्रि में जल्दी सोएं, पहला काम तो यही करना। दूसरा, हम भोजन पता ही नहीं कभी एक घंटा सोने से पहले कर रहे, कभी आधा घंटा, और कभी भोजन करते ही सो जाते हैं, तो ऐसी गलती कदापि ना करें। ये भोजन हमारा जो है विषतुल्य हो जाता है हमारे शरीर के लिए, इसलिए भोजन अगर हम काफ़ी लेट हो जाते हैं तो भोजन को छोड़ दें, उस रात्रि को भोजन ना करें। अगर आपके पास समय है 2 से 3 घंटे का तो भोजन करें, अन्यथा भोजन को छोड़ दें और सो जाएं। अगर लग रहा है खाली पेट नींद नहीं आएगी तो हल्का फुल्का कुछ लें, ज़्यादा हैवी और कुछ भी ना लें। और रात्रि भोजन के पश्चात कम से कम 1000 कदम अवश्य चलें, ध्यान रखें इस चीज़ का। इसके अलावा जो है शरीर, अपना जो शरीर है इससे हमने परिश्रम करना छोड़ दिया है, परिश्रम से हम दूर हो गए हैं, जिसका बड़ा साइड इफेक्ट हमारी नींद पर आता है। तो परिश्रम को अपने जीवन में लाएं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक पे चले जाएं, लंबी वॉक करके आएं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक। और अगर वॉक नहीं कर पा रहे हैं ऐसा है तो बच्चों के साथ खेल लें, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम जरूर करें, बड़ी अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा योग को नियमित रूप से अपने जीवन का एक अंग बना लें। योग तो आपने करना ही करना है प्रतिदिन, जिससे नींद बहुत अच्छी आएगी, ये गारंटी है। अगर योग आपने अच्छे से करना शुरू कर दिया तो नींद के हजारों रोगी हमारे पास आके ठीक हो चुके जिनको अच्छी नींद नहीं आती थी, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी नींद आएगी। और सुबह बिल्कुल हल्का शरीर होके उठेगा आपका, बिल्कुल हल्कापन लगेगा शरीर में। इन सब के अलावा रात्रि में देर तक मोबाइल देखना एक बहुत बड़ा कारण है हमारी नींद खराब होने का। मोबाइल में देखो मजबूरी है, आपको कोई काम ऐसा करना पड़ रहा है मोबाइल से कि वो करना पड़ेगा तो करो, अन्यथा जितना हो सके कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को आप अपने से दूर कर दो। सोने से ठीक 1 घंटा पहले मोबाइल को अपने से दूर कर दो। जब मोबाइल रखें तो कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव वीडियो देखकर फोन को दूर रखें, जिससे आपका मूड अच्छा हो, और मूड अच्छा है तो नींद भी अच्छी आएगी। ईर्ष्या द्वेष छल कपट के जो भाव हैं ये हमारी नींद को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, और वो विचार आ गया तो तुरंत हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि हमारे ब्लड के जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है और हम बेचैन रेस्टलेस फील करते हैं। इसके अलावा छल कपट जो है जब हमारे भीतर में होता है तो वो हमें अच्छी नींद नहीं आती। छल कपट, किसी को धोखा देना, इस तरह के भाव अपने मन में पैदा करने लगे अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं। छल कपट करोगे, धोखा दोगे तो आपको नींद कदापि अच्छी नहीं आती, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप चल कर नहीं करते, आपको किसी नशे की किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी नींद की, बहुत अच्छी नींद आएगी। शांत जीवन रखिए, बड़े आराम से बड़े प्यार से रहिए सबके साथ। अब मैं आपको कुछ योगी उपाय बताने जा रहा हूँ जिनको अपना के आप निसंदेह बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पहला इसके अंदर है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन आपने करना ही करना है, 3 से 5 राउंड, कोई जल्दबाजी नहीं है, ज़्यादा ना करें, 3 करें 5 करें 7 करें, जैसा आपको लग रहा है कि इतना कंफर्टेबली मैं कर पाऊँगा उतना ही कर लें। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य नमस्कार के बढ़ाते चलें, जैसे जैसे सूर्य नमस्कार आपका बढ़ता चलेगा आपका वर्कआउट ज़्यादा होता चला जाएगा। और सूर्य नमस्कार
अपने आप में एक पूर्ण एक्सरसाइज है, कंप्लीट व्यायाम है आपके शरीर का। तो इसके 20-25 राउंड तक आप जा सकते हैं। युवा है तो और भी ज़्यादा राउंड आप कर सकते हैं। वृद्ध हैं तो 15 राउंड 10 राउंड बहुत है आपके, 10 से 15 के बीच में इसकी संख्या आप रख सकते हैं। इन के अलावा आपको जो है कुछ आसन भी मैं बता देता हूँ, जैसे ताड़ासन आप कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, मत्स्यासन, इसके अलावा उत्तानपाद आसन, धनुरासन, चक्रासन, कुछ आसन ये वो हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में किसी अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख में करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ प्राणायाम की, तो मैं कुछ प्राणायाम भी आपको बता देता हूँ जिनका अभ्यास करके हम जो है बहुत लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अच्छी नींद के लिए भ्रामरी प्राणायाम वरदान है, इसका अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा अनुलोम विलोम का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा कपालभाति क्रिया, वो भी आप नियमित रूप से जो है खाली पेट सुबह इसका अभ्यास करें। और इसके साथ योग निद्रा का आप अभ्यास करें। योग निद्रा को जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको लंबी और गहरी नींद आएगी। और योग निद्रा एक वरदान से कम नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों की ऐसी दी हुई एक वरदान है जो हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो योग निद्रा को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप देखेंगे कि आपको नींद की गोलियों की और इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसके अलावा शुद्धि क्रिया सप्ताह में एक बार अवश्य करें कम से कम। और विशेष तौर पर कुंजल क्रिया आपने अपने जीवन का एक अंग बना लेनी है, प्रति सप्ताह इसको करना है। शारीरिक क्षमता के अनुरूप तो किसी अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख में आप इसको कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमारे से संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है हम आपको बता देंगे। और कुछ पूछना आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।